गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन। आज हम आपको बताते हैं आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी नोएडा यूपी के बारे में। व्हाट आफ्टर क्लास 12, 12th के बाद आपके पास कुछ लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, जैसे नीट करके आप मेडिकल के फील्ड में जा सकते हैं, आप IIT JEE की करके टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं, NDA पास करके आप जो है डिफेंस फोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। जो ये तीनों विंग को चूज नहीं करते उनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे जो है आप अगर आर्मी वार्ड है तो आपके लिए आर्मी इंस्टीट्यूट की तरफ से हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको वेट कर रही है, और वो भी बिल्कुल जो है आर्मी जैसे सेफ एनवायरनमेंट में, रीजनेबल फीस के साथ और आउटस्टैंडिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ कैंपस के साथ, बढ़िया हॉस्टल और जो है हाईटेक लैब के साथ। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स को कि आर्मी वार्ड होने के आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। इसके अलावा कुछ सीट सिविलियंस के लिए भी रिजर्व है, तो सिविलियंस भी जो है अगर आर्मी का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो दे कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो एंड ज्वाइन दीज इंस्टीट्यूट्स, ऑल 100% रन बाय द आर्मी ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम बात कर रहे हैं आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी नोएडा उत्तर प्रदेश की। इसका एस्टैब्लिशमेंट 2004 में हुआ था और ये 100% इनटेक करता है मेरिट के बेसिस पे MBA में, और जिसमें जो है CAT, CMAT और CET के एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिस पे। इसके अलावा BBA जो है यहाँ पे कोर्स कराया जाता है, और ये जो यूनिवर्सिटी है ये गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट में GGSIP भी बोला जाता है, दिल्ली से एफिलेटेड है। इसमें MBA 2 साल का है जिसमें 180 सीट्स हैं, और BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 3 ईयर्स का है जिसमें 60 सीट्स अवेलेबल हैं। एंड प्लीज डू रिमेम्बर दैट ऑल दीज सीट्स आर एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर आर्मी वार्ड्स ओनली। आर्मी वार्ड्स का मतलब हमारा मतलब ये है कि आर्मी में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, और इसके अलावा वार्ड के अलावा आर्मी के जो विडोज हैं उनके लिए भी ये सीट्स रिजर्व हैं। एक्चुअली जो इनका की फीचर्स है वो है टू अचीव अ यूनिक ब्लेंड ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस एज वेल एज मैनेजेरियल स्किल्स, और दूसरा जो है वैल्यू बेस्ड और कैरेक्टर सेंट्रिक माउल फॉस्टरिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ यूथ जो है इनका मिशन और विजन है, ये AIMT के विजन्स हैं। इसके अलावा इनटू अ डायनेमिक लीडर मैनेजर्स, आने वाले जो फ्यूचर लीडर्स हमारे वो जो है एक डायनेमिक जो है लीडर वो बन के उभरे, और उनका जो परफॉर्मेंस है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट रहे, ये AIMT का मिशन है। और इस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट को NAAC एक्रीडेटेड जो है ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है, और ये इंस्टीट्यूट इज बीइंग लेड बाय सर्विंग एज वेल एज रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑफ इंडियन आर्मी, ये इनका स्ट्रेंथ है। और यहाँ पर आपको जो है मिलता है डाइवर्स बट बहुत ही यूनाइटेड कल्चर, जैसा कि आपको पता है इंडिया में जो है ऑल ओवर कंट्री से जो है डाइवर्स बैकग्राउंड के, डाइवर्स रिलीजन के, डाइवर्स कस्टम और कल्चर्स के जो है लोग आते हैं, तो वो ही जो है वैरायटी और डाइवर्सिटी आपको इन इंस्टीट्यूट्स में भी देखने को मिलेगी, जो आपको इन सब चीज लोगों से, इन सब स्टेट से अपनी बिलोंगिंग को शोकेस करने का एक मौका भी देगी। इसके अलावा अनकंडीशनल कमिटमेंट टू वर्क जो आर्मी कल्चर होता है वो आपको इन इंस्टीट्यूट्स में भी दिखाई देगा, और आपको एडाप्टेबिलिटी दी जाएगी सो दैट आप जो है किसी भी चेंजिंग एनवायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सको। तो ये सारे की फीचर्स होते हैं, यहाँ पे आने वाले बच्चे जो है बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है इनका की फीचर है डिसिप्लिन, यहाँ के बच्चों का इम्पॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट है, और बच्चों का इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होता है। और इसके अलावा ये जो इंस्टीट्यूट है ये टाइम टू टाइम UP और अदर जो स्टेट्स हैं उनके जो है कुछ ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देता रहता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इन्होंने जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ UP को 2 ईयर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी, और इसके अलावा 1000 जुडिशियल ऑफिसर्स जो है पिछले 2 सालों में अलग अलग डिपार्टमेंट से इस इंस्टीट्यूट के द्वारा ट्रेन किए जा सके, और जब किए जा चुके हैं, जब ये ऑफिसर जो है यहाँ पर डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो उनका बेनिफिट, उन सिलेक्टेड ऑफिसर्स का बेनिफिट यहाँ के स्टूडेंट्स को भी मिलता है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कोर्ट मैनेजर्स को भी जो है यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी, एक्सिस बैंक के एम्प्लॉयज को भी यहाँ ट्रेनिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था। ये देखिए AIMT ग्रेटर नोएडा का कैंपस है जो पूरे 15 एकड़ में फैला हुआ है, वाईफाई से लैस ये
आपका कैंपस है और 24/7 यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी है और मेन जो दिल्ली कैपिटल है, कैपिटल से 41 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये इंस्टीट्यूट सेटअप है और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा भी ये इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड है। इसके अंदर के जो हॉल्स हैं वो ऑल एसी लेक्चर हॉल्स हैं। इसके अंदर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग स्टाफ्स के क्वार्टर्स हैं और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो है की फीचर है डिसिप्लिन होता है उनके अंदर, कम्युनिकेशन स्किल होते हैं उनके अंदर और जो है इसके जो 15% जो स्टूडेंट्स हैं वो दूसरे कंपनी में जॉब ज्वाइन न करके इनफैक्ट अपने खुद के जो है स्टार्टअप्स खोलते हैं और खुद ही एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। 85% जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ के, उनको प्लेसमेंट रिकॉर्ड है और जिनमें मैक्सिमम 4.5 लाख का पैकेज जो है उन स्टूडेंट्स को मिल चुका है और इनके की एरियाज़ है मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, आईटी, इंटरनेशनल बिजनेस और यहाँ पे कॉर्पोरेट एज वेल एज एकेडमिक एक्सपीरियंस का ब्लेंड जो है स्टूडेंट के अंदर मोल्ड किया जाता है और फैकल्टी जो है यहाँ की बहुत ही एक्सपीरियंस है, लर्नड है, टैलेंटेड है और वो 80% जो यहाँ के फैकल्टी मेम्बर्स हैं वो PhD डिग्री होल्डर्स हैं। तो सोचिए जो इतने हाई क्वालिफाइड अगर फैकल्टीज रख रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका बेनिफिट स्टूडेंट्स को ही मिलने वाला है। फोकस ऑन रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटीज, यहाँ के जो की फीचर्स हैं या कि एकेडमिक करिकुलम का सिलेबस का की फीचर है वो इस प्रकार से है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटीज जो होती हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज और जो है ऑन हैंड एक्सपीरियंस दिया जाता है, मीडिया, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, थिएटर, बिजनेस, इनोवेशन, इन सारे जो है जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इन सारे डिपार्टमेंट के अंदर जो स्किल जो है बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है सो दैट जो है ये अपने खुद के स्टार्टअप्स भी खोल सके या फिर अगर किसी कंपनी को भी ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर जो है प्रॉफिट कैसे अर्न करना है या कंपनी को कैसे प्रॉफिट तक ले जाना है वो सारे स्किल्स भी इनको सिखाए जाते हैं। और ये यहाँ के MD और चेयरपर्सन हैं जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स होते हैं और जो चेयरपर्सन होते हैं वो सर्विंग ऑफिसर होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स के अंदर जो है बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स जैसे मार्केटिंग है, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑपरेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंटरनेशनल बिजनेस सिस्टम एट्सेट्रा, ये कंप्लीट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे जो है और स्किल्स हैं और सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर बच्चों को कोर्स प्रोवाइड किया जाता है और टाइम टू टाइम स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम किया जाता है, जैसे एक कॉलेज के बच्चे दूसरे कॉलेज में जाके कुछ टाइम जो है वहाँ पे अपना स्पेंड करते हैं सो दैट उस कॉलेज के कुछ जो बेनिफिशियल इनपुट्स हैं वो अपने कॉलेज में लेके आए और अपने कॉलेज में उनको इम्प्लीमेंट करें और वाइस वर्सा। इसके अलावा स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री एक्सपोजर भी दिया जाता है, वो इंटर्न के रूप में भी हो सकता है या फिर वहाँ पे वर्कशॉप कंडक्ट करा के भी हो सकता है या फिर गेस्ट लेक्चर्स के थ्रू भी हो सकता है। ये प्लेसमेंट की कुछ कंपनीज हैं जो रेगुलर यहाँ पर जो है इस इंस्टीट्यूट में विजिट करती है। इसके अलावा और कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पर जो है विजिट करती है प्लेसमेंट के लिए वो आप इस इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ के कुछ की फीचर्स हैं, यहाँ पर आपको वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स मिलेंगे, AC से लैस क्लासरूम मिलेंगे और पूरा प्रोजेक्टर की फैसिलिटीज के साथ लाइब्रेरी में ऑलमोस्ट 15,000 बुक्स का जो है यहाँ पर स्टोर है और कंप्यूटर लैब भी वेल इक्विप्ड है हाई स्पीड कंप्यूटर इंटरनेट फैसिलिटी के साथ, नीट, क्लीन और जो है वैरायटी ऑफ कुजीन से भरा हुआ जो है डाइनिंग हॉल यहाँ का, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आप जो है अपने लेजर टाइम पे अपने फिजिकल एक्टिविटीज को भी इन्हांस करने के लिए स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट जिमनाजियम है और शॉपिंग सेंटर है यहाँ पे अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों की चीज़ों को परचेज करने के लिए। अचीवमेंट्स यहाँ के बच्चों का एकेडमिक्स में भी है, स्पोर्ट्स में भी है और इसके अलावा यहाँ पे एंटी रैगिंग सेल है और रिसर्च इनोवेशन के ऊपर भी काम किया जाता है, CCA भी जो है बच्चों के अंदर डेवलप किया जाता है। इसके अलावा अगर बच्चों को कोई तकलीफ है, परेशानी है तो उसके लिए स्टूडेंट काउंसलिंग सेल की भी यहाँ पे स्थापना की गई है।
अब यहाँ का जो ऑफिशियल एड्रेस है वो www.aimt.ac.in है। एडिशनल वेबसाइट का नाम है www.aws.india.com। इसके अलावा इनका फिजिकल एड्रेस है प्लॉट नंबर M1 पॉकेट P5 ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश पिन 201306। टेलीफोन नंबर 01202329512239513। मिलिट्री नंबर है 3296 और ईमेल है aimt@aws.india.edu.in। तो ऐसे ही और बेनिफिशियल और जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ डू लाइक आवर चैनल दैट इज़ वाओ एजुकेशन एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एज वेल एज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच।